मेरे को साइलेंस चाहिए। गाइस साइलेंस प्लीज। हाँ हाँ हाँ। सर एक्सपीरियंस ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू एज एन एक्टर एंड आल्सो एज अ पर्सन Well, it was really a big challenge. It was a big challenge, and putting on the weight was easy and fun. So, weight जब मैं put on कर रहा था तो मुझे मजा आ रहा था. लेकिन जब कम करने का time आया तो मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं इतना मोटा हो गया था, 97 kilos हो गया था और 38% मेरा body fat था, चर्बी जिसे कहते हैं. तो इस दफ़ा मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं बहुत डरा हुआ था कि होगा नहीं होगा, वक्त पे होगा नहीं होगा. तो खैर हो गया, क्वाइट रिलीव्ड के हो गया. वेल, किरण को फिक्र थी और अम्मी को फिक्र थी, मुझे एक्चुअली फिल्म की फिक्र थी और मेरे परफॉर्मेंस की फिक्र थी, मेरे कैरेक्टर की फिक्र थी. तो मैं अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन जो मेरे लोग नज़दीक हैं उनको मेरे हेल्थ की फिक्र थी. फिल्म हम मेरी हर फिल्म हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ऑडियंस को बुलाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं. तो कई स्क्रीनिंग्स हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि जो हम बनाना चाहते थे, जो हम बनाने निकले थे, वो उसके हम काफ़ी नज़दीक आए हैं. और एज ए डायरेक्टर नितेश जी ने जो मुझे नरेट किया था, कहानी जो स्क्रिप्ट नरेट की थी, वो बहुत ही खूबसूरती से वो पर्दे पे ले ला पाए. तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ द फिल्म. प्रीतम ने पूरा एल्बम दे दिया है अभी भी किया हुआ है. आई थिंक प्रीतम को आप लोगों ने खामोखा बदनाम कर दिया है. वो हमारे साथ तो बहुत ही हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं और पूरा टाइम दे रहे हैं हमको. आजकल हम लोग साथ में बैकग्राउंड कर रहे हैं, तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रीतम ने हमको लेट किया या हमको टाइम पे कुछ नहीं दिया. ही इज़ वेरी इन्वॉल्व, वेरी पैशनेट, और वो बहुत ही मतलब मज़े से काम करते हैं. उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया मुझे. वेल, हम लोग एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखेंगे गीता, बबीता, महावीर जी, उनके पूरे परिवार के लिए. तो उनको हम न्योता देंगे कि वो बम्बई आएँ और हमारी फिल्म देखें. जैसे ही तैयार होती है हम उनको न्योता देंगे. अभी पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द स्पेशल स्क्रीनिंग. आई वुड लव टू शो टू सुशील, क्योंकि सुशील जी आए थे हमारे शूटिंग पे और मैंने उनसे कहा था वो टाइम पे कि मुझे आप जैसी बॉडी बनानी है. तो वो मुझे देख के मुझे लगता है उनके मन में था कि ये बोलते रहा है, कभी पहुंचेगा नहीं है. इतना मोटा था वो टाइम पे. और बट आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शो सुशील द फिल्म, बिकॉज नाउ यू नो ही कैन सी दैट मैं ट्रांसफॉर्म मतलब. और मेरे लिए मैंने उनको अपना गोल रखा था कि उनकी जैसे फिजिक है. हाँ भाई, मुझे खुशी तो नहीं है कि मैं सिगरेट पीता हूँ और कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं नहीं पीऊँ, लेकिन जब मेरी रिलीज नज़दीक आती है तो मुझे बहुत फिक्र होने लगती है, बहुत टेंशन होने लगता है. तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ, फिर मैं बंद भी कर देता हूँ. तो आपको लगता है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से ऐसा? मुझे लगता नहीं कि स्मोकिंग से एक्टिंग पे कुछ फ़र्क पड़ता है. उसमें स्टैमिना पे फ़र्क पड़ेगा, आपके हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी हेल्थ ख़राब होगी. तो मैं तो सभी को कहता हूँ कि स्मोक ना करें, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ना करूँ. मैंने वो ऐड देखा नहीं. कौन से ऐड की बात कर रहे हैं? मैंने देखा नहीं. टीवी पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ प्रमोशन के लिए. हमारे एड्स आ रहे हैं टीवी पे, हमारे प्रोमोज आएंगे वगैरह, लेकिन किसी शो पे तो मैं नहीं जा रहा हूँ. नहीं, आई डिडंट डिस्कस विद हिम. आई हैड अ वेरी गुड कोच विद अस, कृपा शंकर जी, जो हमारे कोच, उनके बारे में बताऊँ आपको. कृपा शंकर जी जो हमारे कोच रहे हैं, वो नेशनल लेवल के कोच हैं और उनका बहुत
कमाल का कंट्रीब्यूशन है फिल्म के अंदर, जिस तरह से उन्होंने हमको रेसलिंग सिखाई, जिस तरह से उन्होंने सारी रेसलिंग के बाउट्स कंपोज किए, तो कृपा जी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड हिज कंट्रीब्यूशन इज वेरी बिग टू आर फिल्म। ये लुक जो अभी आप देख रहे हैं, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई है, ये जो मैं अगली फिल्म कर रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अमित जी के साथ, तो उसकी तैयारी है ये। मतलब ये लुक फाइनल अभी नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन इस वक्त मैं दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ, बाल बढ़ा रहा हूँ, तो कहाँ जाके वो फाइनल लुक क्या होगा वो तो 2 महीने बाद पता चलेगा। आमिर, जब आपने अभी अंदर देखा कि बहुत जबरदस्त तरीके से मशक्कत कर रहे थे, हाँ, जब वेट लॉस कर रहे थे, हाँ, कोई एक ऐसा इंस्पिरेशन जो आपके सामने मतलब हो कि हाँ मेरे को लॉस करना है वेट और 5 महीने बहुत बहुत कम होते हैं? मेरे सामने वो मैंने कहा ना सुशील कुमार जी थे, क्योंकि वो भी रेस्लर हैं, उनकी बॉडी बहुत ही कमाल की फिजिक है उनकी, तो उनको देखकर मैंने सोचा कि मुझे ऐसा लुक चाहिए फिल्म के अंदर। You know, I don't want to get into political situations regarding the demonetization. I hope it doesn't affect the film. I think things are slowly getting back to normal. And hopefully, I think even the films that I've released, I think Rock On did get affected because it was right at that time. But Dear Zindagi has done quite well, I believe. 2 crores in 3 days. Yeah, so I think that it's, hopefully it won't affect the films. Amir, Kailash Nilani has also asked you to postpone. No, no, I'm sure he'll love to promote my film. I also love to promote his films. So, and I'm dying to show it to him also. वो तो रोल पे डिपेंड होगा, रोल अगर रोल की रिक्वायरमेंट है तो जो जो कैरेक्टर का जो किरदार का जो रिक्वायरमेंट है वो मैं करूँगा। Yeah, I'm planning to because after I finished shooting for Dangal, it was so tiring that I let go a little bit. So I'm going to cut down on my fat. I mean, I'm not 38% now, but I want to get to 9% body fat. But I don't want to be muscular. In Thugs, my look is not a wrestler's physique. Big, you know, shoulders and back, it won't be that big. I want a more lean look, yeah. Kailash Nilani has asked you to postpone Dangal in keeping in mind... He has not asked me. But I mean, he's requested... I never got any call from him. I think it's a universal film. Hamari jo film hai, wo bahut hi family film hai. Bachchon ke baare mein hai, bachchon ke liye hai. Aur ek parivaar ki kahani hai, toh it's a... पूरे परिवार के लिए है और हमारे हिसाब से तो यू फिल्म ही होगी ये। कौन सा बॉडी पार्ट? देखिए सबसे जो टफ मुझे लगता है वो लेग्स हैं। लेग्स में जो स्क्वाट्स करना पड़ता है ना वो जान ले लेता है, तो स्क्वाट्स इज द टफेस्ट फॉर मी। Legs is the toughest workout for me. Last question. Movie piracy ko jo hum normally karte hain, we try our level best to curb it. To hum is dafa bhi sari puri koshish karenge. Amir, Shahrukh Khan ne copy with Karan mein kaha tha ki agar matlab Karan ne unse pucha tha ki aapka aisa koi role hai जो आपने पिक्चर किसी पिक्चर में देखा और आपको करना, तो ही सेड ही वांट टू बिकम अ फोर्थ इंडियन, अगर सीक्वल बनेगा उनका तो ही वांट टू बिकम फोर्थ इंडियन विद यू, सो व्हाट यू वांट टू से? दैट्स लवली, आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख, आई वुड लव टू वर्क विद शाहरुख। थैंक यू सर, थैंक यू। सवाल लो क्या रवि, रवि सुना के आगे चलो, चलो आया बिटवीन आराम से भाई फोन को Thank you.